नईगढ़ी जनपद पंचायत अध्यक्ष ममता कुंज बिहारी तिवारी ने नईगढ़ी स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान भारी अनियमितता पाई गई। जनपद अध्यक्ष ममता कुंज बिहारी तिवारी जब स्वास्थ्य केंद्र पहुंची तो वहां पर एक भी डॉक्टर मौके पर उपस्थित नहीं पाए गए। स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों के लिए बेडशीट भी उपलब्ध नहीं थी। अव्यवस्था का आलम यह था, मौके पर नर्स और डॉक्टर नदारद थे। सभी जांच केंद्र बंद पाए गए हैं। कैंटीन में सिर्फ कुछ किलो चावल देखने को मिला है, जबकि कैंटीन के अंदर नाश्ते की सामग्री कुछ भी नहीं मिली है। मरीजों के परिजनों ने बताया कि हम चाय और नाश्ता बाहर से लेकर आते हैं, फिर ऐसे में कैंटीन का संचालन समस्या परी है। नईगढ़ी के वीएमओ डॉक्टर आर के पाठक हैं, जो कि एक लंबे समय से नईगढ़ी स्वास्थ्य केंद्र में अंगद के पांव की तरह जमे हुए हैं। उन्हें विधानसभा अध्यक्ष का काफी करीबी माना जाता है। 75 वर्षीय वृद्ध महिला अपने बहू को लेकर के एडमिट कराया गया था। कहीं न कहीं डिलीवरी का विषय था, जिसके लिए वो लगभग 30 किलोमीटर दूर से महिला आई हुई थी और एडमिट कराई हुई भर्ती कराई हुई थी। जहां पर जैसे ही ममता कुंज बिहारी तिवारी के द्वारा उप स्वास्थ्य केंद्र में कदम रखा गया, वैसे ही वो महिला रोने लगी और कहने लगी कि कल एक दिन पूर्व से मेरी बहू को भर्ती कराया गया है, लेकिन उसे एक गिलास पानी, एक कप चाय तक नसीब नहीं हुई। जबकि कई बार हिदायत भी दी गई थी व्यवस्था सुधारने को लेकर, लेकिन किसी प्रकार से व्यवस्था सुधार नहीं की गई। वही अराजकता, कहीं न कहीं डॉक्टर को एक अलग से नाम दिया गया है और ऊपर भगवान कहते हैं, नीचे डॉक्टरों को भगवान का दर्जा दिया गया है। अगर डॉक्टर ही इस ढंग से कार्य करें तो कहीं न कहीं सवाल के घेरे में पूरा जिला प्रशासन आएगा और रहेगा। एमकेएन न्यूज के साथ संवाददाता प्रद्युम्न शुक्ला, रीवा।